खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद में ग्राम नवलपुरा में खारट डैम तक करीब 7 किलोमीटर की सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हर बार चुनाव में आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन समस्या का हल नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है। रविवार को कई ग्रामों के रहवासियों ने पानी और कीचड़ से सराबोर सड़क पर रैली निकाली। इसके बाद हर घर के बाहर विधानसभा लोकसभा चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इन पोस्टरों पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गांव वासियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि गांव वासियों की मूल समस्याओं का समाधान के लिए ग्राम में प्रवेश करें। जनप्रतिनिधियों द्वारा 74 साल से झूठा आश्वासन देकर निराश किया है। आज तक सड़क नहीं बनी, शिक्षा स्वास्थ्य पलायन जैसी समस्या का निराकरण कब होगा? सब गाँव वासियों का एक ही नारा, रोड से जुड़ा हो गाँव हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जी हाँ, हमारा ये जो धौलकोट नौलपुरा से खरक डैम तक जो रोड है कि नहीं, काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हमारे साथियों, ज्ञापन भी दे चुके हैं, आवेदन निवेदन सब सारी चीजें हम कर चुके हैं, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि हाँ इतने दिन में कर देंगे, हमको सिर्फ और आश्वासन ही मिला, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक हुए, सांसद हुए, उन्होंने भी रोड के लेकर आश्वासन ही दिया है। और जब तक पहले तो ये आके बोल के गए कि चुनाव से पहले भी हमारे गाँव में आए थे कि हमको वोट देना, हम जैसे चुनाव जीतेंगे पहले वोट डालेंगे। आज वो 5 साल पूरे उनके लगभग हो गए, अभी तक रोड की समस्या नहीं आता। हम पूरे क्षेत्रवासी हम यही चाह रहे हैं, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, हम विधानसभा लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश खोड़े हैं। और अभी भी संघर्ष जारी है। पिछले कई दिनों से हमने ये विधायक सांसद की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन अभी सांसद विधायक को भी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे आने जाने के वालों की, मतलब जो स्कूल के टीचर हैं, वो भी वो रोड के कारण से टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, और बच्चों को भी आने जाने में, स्कूल जाने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेन मुद्दा हमारा यही रोड है, जिसको लेकर हम लोगों ने बहुत सारे शासन प्रशासन के बहुत बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से गांव के बाहर लगाए बैनर आप लोगों ने, रोड नहीं तो वोट नहीं, इसके पीछे क्या सोच रही आप लोगों? हमारी सोच यही है कि हम लोगों ने सब शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट काट कर हम भी अभी थक चुके हैं, इसलिए अभी 2023-24 जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो भी जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। क्या परेशानी क्या आ रही है आप लोगों? कितने गांव जुड़े हुए हैं? ये 7-8 गांव जुड़े हैं इस रोड से, और आवागमन के आने जाने की बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। जैसे गाँव में एम्बुलेंस नहीं आ पाती हैं, स्कूल में टाइम से टीचर नहीं आ पाते हैं, और डिलीवरी बॉय हॉस्पिटल ले जाने में बहुत परेशानी आती है। क्या नाम है? दयाराम ओवासे। हम अभी ये वर्तमान सरकार के ऊपर भी हमारा विश्वास टूट गया, और अभी जो भी चुनाव में सामने जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सबका चुनाव का हम सब गांव और जितने भी गांव के वोट मतदाता है सब मिलकर हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पिछले सालों हमारे यहाँ पूरे शासन प्रशासन इस गांव में आया और गांव की सारी समस्या को देख गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा रोड 7 दिन में मुरीमीकरण हो जाएगा, तुम्हारे आवाने जाने की समस्या दूर हो जाएगी। 7 दिन के बजाय अभी तो पूरा साल हो गया है, अभी भी उन लोगों को कोई सुध नहीं है। तो इस बार हम पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई से विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, लेकिन बहिष्कार करना ही हमारा हमें उचित लगता है। मेरा नाम बलिराम सोलंकी, जागृत आजाद की दलित संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।